हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 29x29 स्क्वायर फीट के इस हाउस प्लान के बारे में, जिसमें मैं आपको एक ग्राउंड फ्लोर का एक हाउस प्लान दे रहा हूं विथ एस्टिमेशन, जो कि आप अपने आने वाले वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूं और डिटेल एस्टिमेशन बताने के बाद मैं आपको इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई हाउस प्लान बनाते हैं तो आपको वास्तुशास्त्र का ध्यान काफी रखना चाहिए। मीन्स जो भी रूल्स है कि डोर्स किस ओपनिंग किस डायरेक्शन में रहनी चाहिए, जो सूरज की सन की रेज है वो आपके घर में किस तरीके से ओरिएंट करनी चाहिए, एयर किस तरीके से वेंटिलेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपके प्लान बनाने के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ जो स्पेशियस एटमॉस्फियर आपको प्रोवाइड करना होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में ये जो प्लान मैं आपको दे रहा हूं, आप देख पाएंगे ये आपका सीट आउट एरिया है, ठीक है। जहां से यहाँ पे आपका सीट आउट एरिया है, यहां से आपकी हॉल की एंट्री हो रही है। ये आपका हॉल है 4.8 मीटर बाय 3 मीटर का, ओके। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर हमने बड़ी विंडो दी है और यहाँ पे दो छोटी विंडो दी हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ पे हमने ओपनिंग दी हुई है, एक आपका डाइनिंग एरिया है और एक बेडरूम है यहाँ पे, ओके। और ओपन टॉयलेट बाथरूम ने यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली जहां से एक ओपनिंग डाइनिंग है उसी साइड में हमने किचन दिया हुआ है और यहाँ पे बेसिन का एक पोर्शन दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट एक छोटे से घर के लिए 29x29 फीट का एक छोटा सा प्लान के लिए ये अरेंजमेंट काफी सफिशियंट है। और यहाँ पे सारे डायमेंशन देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्लान बना रहे हैं उस प्लान में प्रॉपर डायमेंशंस होने चाहिए, ताकि जो भी सिविल इंजीनियर साइट पे कंस्ट्रक्शन करेगा उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नाउ मैं आपको एस्टिमेशन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, मुझे काफी लोगों ने ये पूछा है कि आप एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं। मैंने एक प्रॉपर रेट एनालिसिस परफॉर्म किया है जिसके माध्यम से मुझे सारा क्वांटिटी एकदम इजी विद इन अ मिनट मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लान का कहीं भी यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा आने का आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करीब करीब 837 स्क्वायर फीट का ये आपका टोटल एरिया बन रहा है, जिसमें आपको 21 से लेकर 22 लाख तक का एक्सपेंडिचर आ सकता है। जो लेबर अमाउंट है, जो लेबर की कॉस्ट आपको आएगी वो 1,71,000 के करीब करीब आपको आ सकती है। इसमें जो बाजरी आपको लगेगी, मतलब जो चूरी हम जो इसको बोलते हैं जो आपको लगने वाली है, ओके, वो 18 मीटर क्यूब लग सकती है। बिटुमन जो आपको लगेगा वो आपको लगेगा 17 किलोग्राम, ठीक है, बाइंडिंग वायर, सॉरी, बिटुमन आपको लगेगा 30 kg। ब्रिक ब्लास्ट आपको लगेगा 7.53 मीटर क्यूब। ब्रिक टाइल्स आपको लगेगी यहाँ पे 3,500 आप नंबर पकड़ लीजिए। ब्रिक्स आपको लगने वाली आपको 16,000 से 17,000। सीमेंट की बैग आपको 300 बैग मिनिमम लगेगी। बेस कोर्स के लिए आपको 15 बैग लगने वाली है। सीमेंट का पेंट लगेगा 125 स्क्वायर मीटर। सिमिलरली जो कोर्स साइड आपको लगने वाली है वो आपको लगेगी 10.041 मीट्रिक क्यूब। हार्डवुड आपको लगने वाला है 376 रनिंग फीट। अर्थवर्क जो फिलिंग के लिए आपको मटेरियल चाहिए वो आपको लगेगा 7.53 मीट्रिक क्यूब। फाइन सैंड जो आपको लगने वाली है वो आपको लगेगी 11.71 मीट्रिक क्यूब। और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एमएस स्टील के ऊपर, जो स्टील रेनफोर्समेंट बार जो आपको लगने वाला है वो आपको लगेगा यहाँ पे 1600 से लेकर 1700 किलोग्राम, ओके। सैंड आपको लगेगी यहाँ पे 25 से 30 मीटर क्यूब। और शटरन आपको लगने वाला है यहाँ पे 1255। अगर हम व्हाइट सीमेंट की बारे में बात करते हैं तो आपको करीब करीब 9 बैग आपको यहाँ पे लगेगी, ओके। टोटल यहाँ पे 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 10% वाटर चार्जेस एंड 10% सीवरेज चार्जेस पकड़ के आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 21.85 लाख के करीब जा रहा है। ये रेट जो है वो अभी रनिंग रेट से जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम हमारे वेबसाइट के ऊपर आते हैं दोस्तों, जहाँ से आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है www.civilnotes.com, ठीक है, civilnotes.com। आपको यहाँ पे आना है और आपको हाउस प्लान डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे प्लान जो है, हर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के प्लान आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोकैड फाइल में और आप यूज कर सकते हैं आने वाले अपने वर्क के लिए।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को जिसका नाम है सिविल नोट्स, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।